तो नमस्कार, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वेल्डिंग पोजीशन तथा वेल्डिंग स्थितियाँ क्या होती हैं, जी पोजीशन क्या होती है, एफ पोजीशन क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वेल्डिंग पोजीशन क्या होता है और 1F 2F 3F 4F ये क्या चीज़ होती है, एफ क्या चीज़ होता है और जी क्या चीज़ होती है। तो हम इसी बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आज के जो हमारे प्रश्न है, डाउन हैंड पोजीशन क्या होता है, क्षैतिज पोजीशन क्या होता है, ऊर्ध्वाधर पोजीशन क्या होता है, ओवर हेड पोजीशन क्या होता है, 5G पोजीशन क्या होता है, इन पांचों के बारे में मैं बात करूँगा। वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग करने की स्थितियों के अनुसार निम्नवत हैं। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। क्या चीज़? वेल्डिंग पोजीशन। नंबर एक डाउन हैंड पोजीशन, नंबर दो हॉरिजॉन्टल पोजीशन, नंबर तीन वर्टिकल पोजीशन, नंबर चार ओवर हेड पोजीशन। ठीक है, ये मुख्यतः चार प्रकार की वेल्डिंग पोजीशन होती हैं। ठीक है, अगला हमारा उसी में से फर्स्ट वाला है, डाउन हैंड स्थिति, मतलब डाउन हैंड पोजीशन। ठीक है, यह 1G वेल्डिंग पोजीशन में, 1G वेल्डिंग पोजीशन में वर्क पीस को डाउन हैंड पोजीशन में रखा जाता है। यह सब बेसिक वेल्डिंग पोजीशन होती हैं। और दूसरा है क्षैतिज स्थिति, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन। 2G वेल्डिंग पोजीशन में वर्क पीस को क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है। वेल्डर अपनी पोजीशन में रहकर, खड़ा रहकर और एक साइड वेल जो कि जॉब है वो रोटेट होता रहता है। यह पोजीशन 1G पोजीशन से मुश्किल पोजीशन होती है, समझ गए। और आइए तीसरा है वर्टिकल स्थिति, वर्टिकल पोजीशन, 3G पोजीशन इसको बोलते हैं हम लोग। वर्टिकल पोजीशन जो होता है उसको हम लोग 3G पोजीशन बोलते हैं। वेल्डिंग का अर्थ है कि वेल्डिंग टॉर्च को सतह पर ऊपर और नीचे लंबवत वर्टिकल के रूप में लाया जाता है। यह स्थिति 1G फ्लैट सतह वेल्डिंग, 2G स्थित वेल्डिंग और 4G ओवरहेड सीलिंग वेल्डिंग के विपरीत होती है। ठीक है, और लास्ट हमारा है ओवरहेड वेल्डिंग। ओवरहेड वेल्डिंग स्थिति ये क्या होती है? ओवरहेड पोजीशन वेल्डिंग डिपॉजिट धातु नीचे की ओर चुने लगती है, जिसके कारण वेल्डिंग पोजीशन सबसे कठिन होती है। मतलब जो ओवरहेड में वेल्डिंग होती है वो बहुत कठिनाई की वेल्डिंग होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए आर्क छोटा रखना चाहिए और वेल्ड धातु को जमने देने से हीट को एक पल रोक रोक के वेल्डिंग करना चाहिए या छोटी छोटी बीट लगानी चाहिए। और ये आ गया हमारा 5G वेल्डिंग स्थिति क्या होती है। इस स्थिति में पाइप को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा जाता है और वेल्डर पोजीशन बदलती रहती है। मतलब जो कि पाइप हमारी है वो फिक्स रहेगी और वेल्डर चारों तरफ से वेल्डिंग करेगा, किस पे? 5G पोजीशन में। ठीक है, अगला हमारा 6G पोजीशन। 6G पोजीशन क्या होती है? इस पोजीशन में वेल्डर वेल्डिंग टेस्ट पाइप को 45 डिग्री एंगल में रखता है और इसमें वेल्डर टेस्ट कर पाइप 45 डिग्री प्लस माइनस फाइव डिग्री में होता है। मतलब घटता बढ़ता रहता है, इसे रोटेट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो पाइप है हमारा ये फिक्स रहेगा, इसको हम रोटेट नहीं कर सकते हैं, किसमें? 6G पोजीशन में। आइए थोड़ा सा इमेज में देखते हैं। देखिए, जो टी जॉइंट हमारा होता है, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रख के वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें हमारा जी पोजीशन नहीं होता। जी पोजीशन वहाँ पे होता है जहाँ पे चैम्फरिंग डिग्री करती है, वहाँ पे जी पोजीशन हमारा लाया जाता है। जैसे कि फ्लैट पोजीशन में टी जॉइंट, फ्लैट पोजीशन में टी जॉइंट में हम लोग क्या कहेंगे? 1F। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टी जॉइंट को 2F। वर्टिकल पोजीशन में टी जॉइंट को 3F। ओवरहेड वर्टिकल पोजीशन में ओवरहेड
को हम क्या बोलेंगे, फोर एफ, पी जॉइंट को फोर एफ, ठीक है। और यही बात आती है बट जॉइंट की, तो बट जॉइंट में फ्लैट पोजीशन में 1G होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बट जॉइंट का 2G होगा, वर्टिकल में बट जॉइंट का 3G होगा, और ओवरहेड में बट जॉइंट का 4G होगा। 1G, 2G और 3G और 4G समझ गए, 1F, 2F, 3F, 4F समझ गए। अगला चलते हैं, देखिए 5G, 5G के बारे में बात करते हैं। 5G देखिए, 1G, 1G, 2G और 5G और 6G, ये चार होते हैं पाइप में, और 1G, 2G, 3G, 4G वो होता है बट जॉइंट में, और 1F, 2F और 3F और 4F ये होता है टी जॉइंट में, चारों पोजीशन में। तो देखिए ये पाइप है 1G में, जो वेल जो पाइप होगा हमारा वो रोटेट रहेगा, पाइप जो हमारा रोटेट रहेगा, और वेल्डर जो है एक जगह खड़ा होके वेल्डिंग करेगा। पोजीशन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1G। और दूसरा क्या है, पाइप हमारा जो है कि फिक्स रहेगा और वेल्डर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वर्टिकल में रहेगा, ठीक है, वर्टिकल में लेफ्ट और राइट वेल्डिंग करेगा, एक्सेस वर्टिकल रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं 2G, किसमें, पाइप में। और 5G और 6G, 5G, 5G किसको कहेंगे हम लोग, वेल्ड जो होगा वो वर्टिकल अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा, दोनों होगा, और पाइप जो हमारा फिक्स रहेगा, पोजीशन जो रहेगा हॉरिजॉन्टल, तो उसमें क्या हो जाएगा, 5G, ठीक है, वर्टिकल हो गया अपवर्ड और वर्टिकल हो गया डाउनवर्ड, ठीक है। और 6G की बात करते हैं, तो जो हमारा पाइप रहेगा वो फिक्स रहेगा, वेल्ड जो होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है, और जो पाइप हमारा जो फिक्स रहेगा उसका डिग्री रहेगा 45 डिग्री, जो हमारा पाइप जो है 6G में वो 45 डिग्री रहेगा, और उसी को हम बोलते हैं क्या, 6G। तो समझ में आ गया होगा। चले चलते हैं वेल्डिंग स्थिति, वेल्डिंग पोजीशन। देखिए जो टी ज्वाइंट ये हमारे हुए हैं फ्लैट पोजीशन में, टी ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1F, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टी ज्वाइंट को 2F, और वर्टिकल पोजीशन में टी ज्वाइंट को 3F, और ओवरहेड टी ज्वाइंट को 4F। और जीप कहाँ पे यूज होता वो हमने बता दिया, एक बार और देख लीजिए। देखिए फ्लैट पोजीशन में बट ज्वाइंट को बोलते हैं 1G, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बट ज्वाइंट को बोलते हैं 2G, और वर्टिकल पोजीशन में बट ज्वाइंट को बोलते हैं 3G, और ओवरहेड बट ज्वाइंट में बोलते हैं 4G। आई होप आप लोगों को 1F और 2F और वेल्डिंग पोजीशन ये पता हो गया होगा, कहाँ पाया जाता है, पाइप में कौन कौन सा पाया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।